मैंने सुना कि लड़कियों को पैर नहीं छूना चाहिए, हम उसको मना किए कर, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मेरे पैर भी दबाती है, वो भी कभी कभी दबाता है, कहने पे दबाता है, ऑलवेज वही दबाए, लेकिन लड़की रोज ही दबाती है। तो आप अपनी नरक की व्यवस्था कर लो। अस्सलामु अलैकुम प्रिय दर्शक श्रोता, प्रिय बंधुरा, আজকের এই ভিডিওটি মা বাবার প্রতি, বিশেষ করে মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ববোধ ও অধিকার সম্পর্কে। এই ভিডিওতে একটি হিন্দু মহিলা একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তিকে বলে যে তার মেয়ে তার প্রতি খুবই বাধ্য এবং অনুগত, তার সকল কথা মেনে চলে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আর বাড়িতে ফেরার পর তার পা ধরে সালাম জানাই, এমনকি সে অসুস্থ হলে তার মেয়ে তার পা টিপে দেয়, তার সেবা যত্ন করে। এসব কথা বলে সেই হিন্দু মহিলাটি হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যে তার মেয়ের এমনটা করায় সে গুনাহের অংশীদারি হবে কি না, এর জন্য তাকে জাহান্নামে যেতে হবে কি না ইত্যাদি। এছাড়াও বন্ধুরা, একই বিষয়ে আমি আপনাদের সাথে ডক্টর জাকির নায়েকের একই ধরনের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। তাই এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, প্রথমে আমি আপনাদের সাথে হিন্দু মহিলা ও হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তির ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করতে চাই। হিন্দু মহিলার করা প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তিটি যা বলেছে তা শুনে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। আপনারা প্রথমে তার ভিডিও ক্লিপটি দেখুন, তারপর এ বিষয়ে আমি আপনাদের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। जाती थी स्कूल तो मेरा पैर छू के ही जाती थी, और आज भी कोचिंग जाती है तो बिना पैर छुए नहीं जाती है। हम उसको मना किए कल तो बोली नहीं मम्मी, अब हम शुरू से गए हैं, उसको आदत पड़ गई है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो मेरे पैर भी दबाती है। तो वही हम यही जानना चाहते हैं गुरुजी, कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम आज उसको समझा दें जाके। बेटा है कि बेटा कितना बड़ा आपके साथ ही रहता है जी, उससे कहो वो आपके चरण दबाए करे। वो भी कभी कभी दबाता है, कहने पे दबाता है, ऑलवेज वही दबाए, लेकिन लड़की रोज ही दबाती है। तो आप अपनी नरक की व्यवस्था कर लो जी गुरुजी, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। नरक की टिकट करवा दो, वो तो हो ही गई है। अच्छा, और कोई व्यवस्था ऐसी हो कि उसमें थोड़ी जल्दी से जा सको तो ऐसी कोई व्यवस्था उसको कह दें, बेटा अगर तुम चाहती हो कि मैं नरक में न जाऊं तो प्लीज मेरे चरण मत दबाओ, आपने बहुत सेवा कर। বন্ধুরা, আপনারা সেই হিন্দু মহিলা ও হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তির ভিডিও ক্লিপটি দেখলেন এবং শুনলেন। হিন্দু মহিলার করা প্রশ্নের উত্তরে হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তিটি বলে যে সে তার মেয়ের থেকে সেবা যত্ন করানোর মাধ্যমে নিজের ঠিকানা জাহান্নামে করে নিয়েছে। তাই যদি তার কোনো ছেলে থেকে থাকে তাহলে তার উচিত তাকে দিয়ে নিজের সেবা যত্ন করানো, আর মেয়েকে বোঝানো উচিত যে যদি সে তার মাকে জাহান্নামে পাঠাতে না চায় তাহলে তার সেবা যত্ন না করে। বন্ধুরা, এবার আমি আপনাদের সাথে মা বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ববোধ ও অধিকার সম্পর্কে ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করব, যেটাতে তিনি কোরআন ও হাদিসের আলোকে খুব চমৎকারভাবে উত্তর দিয়েছেন। আপনারা ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি দেখুন। ইসলাম মে মাশরতি হুকুক মা কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরমাতে সূরা ইসরা মে সূরা নম্বর 17 আয়াত নম্বর 23 ও 24 মে আল্লাহ তাআলা ফরমাতে ইনসানো সে कि आप सिर्फ मेरी इबादत करो, इंसानों से कहते हैं तुम सिर्फ मेरी इबादत करो और अपने वालदेन से हुस्न सलूक करो, अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों ज़ईफ हो जाए उनको उफ तक मत कहो, ना ही उनको झिड़को, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और उनके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए रब आप इनके ऊपर रहमत फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल रखा बचपन में। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 भी वालिदैनी एहसाना, हमने इंसानों को कहा है, फर्ज ठहराया है कि वो अपने वालदेन से हुस्न सलूक करे। और ये पैगाम दोहराया गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 में कि वयस्सनल इंसाना बिवालिदैनी एहसाना, इंसानों के लिए फ़र्ज़ है कि वो अपने वालदेन के साथ उसने सलूक करे, उसके बाद खुसूसन अपनी माँ। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन्नत निसाई में आता है इसका जिक्र, किताब जिहाद में बाब नंबर 6 हदीस नंबर 3106 में अल्लाह के रसूल फरमाते
कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, उसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी माँ सड़क पे चल रही है और कोई कीचड़ में पैर रखती है तो कीचड़ जन्नत हो जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप अपनी वालदा, अपनी माँ की इज्जत करो, खिदमत करो, बात मानो, प्यार करो, उसमें सलूक करो, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कहा गया है सही बुखारी में जिल्द नंबर 8 किताबुल अदब बाब नंबर 2 हदीस नंबर 2 में, एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक के लायक कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल फिर से फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर से अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। उसके बाद कौन? फिर चौथी बार अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारा बाप। इसका मतलब 75% हुस्ने सलूक के लायक है माँ, 25% बाप, 3/4 हिस्सा हुस्ने सलूक का जाता है माँ को, 1/4 हिस्सा जाता है बाप को। इसका मतलब ये कि माँ को मिलता है गोल्ड मेडल, सोने का तमगा, माँ को मिलता है सिल्वर मेडल, चांदी का तमगा, माँ को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा, बाप को मिलता है कॉन्सोलेशन प्राइज, सुलह बख्श इनाम। ये हमारे आखिरी नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वालदा ज्यादा हकदार है हुस्ने सलूक के। अभी हम तस्करा करेंगे इस्लाम में खवातीन के माशरती हुकूक, बहन के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 71 में, आयत नंबर 71 में, वल मोमिनीन वल मोमिनात बाज़ुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक दूसरे को मदद करना चाहिए, यानी एक दूसरे के भाई बहन हैं, अनलेस अदरवाइज। अल्लाह के रसूल फरमाते कि औरत शकीक है, शकीक के एक मानी है आधा, जिस तरीके से इंसानियत आधे मर्द और आधे औरत में बांटी गई है, आधा हिस्सा है, और दूसरे मानी है बहन। तो अल्लाह के रसूल कहते कि औरत तुम्हारी बहन है अनलेस अदरवाइज। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में खवातीन के तालीमी हुकूक। सबसे पहली वही, सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुबहाना व ताला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं, वो ये नहीं कि आप नमाज पढ़ो या रोज़ा रखो या हज के लिए जाओ। सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह सुबहाना व ताला इंसानियत को कुरान मजीद में देते हैं वो है इकरा, पढ़ो, जो आता है सूरह इकरा में चैप्टर नंबर 96 आयत नंबर 1 में। और ये सिर्फ मर्द के लिए नहीं, दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कई हदीस में, इसका जिक्र इब्ने माजा में भी है हदीस नंबर 224 में, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल मुस्लिम, हर मुस्लिम के लिए फर्ज है, चाहे वह औरत या मर्द हो। अल्लाह के रसूल फरमाते इल्म तलब करना, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और अल्लाह के रसूल हमेशा लोग से कहते थे कि अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन अपनी बेटियों को। प्रिय बंधुरा, একই প্রশ্নের উত্তরে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ব্যক্তি এবং ডক্টর জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপটি আপনারা দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কী তা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন।